वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दो दिन पहले इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, और इस मैच में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर स्नेह राणा की आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आप पहले ये हेडलाइंस देख लीजिए। स्नेह राणा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करा है, और उन्होंने जो अपना सक्सेस बनाया वो खुद की मेहनत से बनाया है। उन्होंने उन सभी लोगों के लिए मिसाल पैदा की है जो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। Oh yes, and she picks the important wicket of Amy Sillowit. A good catch by Smriti Mandhana. Standing catch, you've got to say. But she took it smartly. Rana gives a bit of air. Was hit nicely. Timed it well. But good hands. Excellent hands. And you can see the joy on the faces of the Indian team. Crucial wicket, Deep. Crucial wicket. 373 dot ball so far. Well, there you go. That's exactly what happens when you play... क्रिकेट में सालों से यही बात चल रही थी कि मेंस को पॉपुलैरिटी मिलती थी और वुमेंस को नहीं। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट करा, रेलवेज को रिप्रेजेंट करा, और फाइनली इंडियन टीम में अपनी जगह बना ली। स्नेह राणा का जन्म 18 फरवरी 1994 में उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 5th class से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट किया था। उन्हें 2016 में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल बाहर बैठना पड़ा था। फिर उसके बाद जब वो वापस आए, उन्होंने कमबैक करा और अपनी जगह इंडियन क्रिकेट टीम में वापस बना ली 5 साल के बाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उनके हाथ पे एक टैटू है जो ये कहता है कि कभी हार ना मानो, और टैटू पे लिखा है I refuse to sing। स्नेह राणा का सिलेक्शन 1 महीने पहले हुआ था मई में इंडियन टीम में, और उनके जो पापा थे वो 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेला। टीम में कमबैक सिलेक्शन के बाद उन्होंने एक पिक शेयर करी थी जिसमें लिखा था विश यू वर हियर, मतलब काश आप यहाँ होते। इंग्लैंड के साथ मैच तो ड्रॉ हो गया, पर उनकी परफॉर्मेंस यादगार हो गई। उन्होंने अपनी ये परफॉर्मेंस अपने फादर को डेडिकेट किया है जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी सारी अच्छी परफॉर्मेंस अपने डैड को ही डेडिकेट करेंगी। वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्नेह अपने फ्री टाइम में स्केचेस और पेंटिंग्स करती हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।